प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम 15 तारीख से शुरू है। सिकंदर शेख एक प्यारे बच्चे ने एक घंटा पहले ही हिंदी कोर का रिक्वेस्ट किया, सर इसका वीडियो जल्दी से बना दीजिए, सर बहुत दिक्कत है। तो उनके कहने पर या और बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ हिंदी कोर का जो मॉडल सेट JCERT द्वारा जारी किया गया है उसका मॉडल सेट 1 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और 9th क्लास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। कक्षा 9th हिंदी ए, समय आपका 1.5 घंटा 40 मिनट, पूर्णांक 40, सेट 1 है। निर्देश पढ़ लीजिएगा बच्चों, इसमें समय नहीं वेस्ट करते हैं। खंड का है अपठित बोध, इसमें आपको इस गद्यांश को पढ़ना और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला है क्वेश्चन, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था आपका कस्तूरबा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं? तो दैनिक जीवन में लोग निम्न स्तर पर काम करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर काम करते हैं। निम्न स्तर पर काम करने मतलब है नाली साफ़ करना, कपड़ा साफ़ करना, रोड का सफाई, दूध वाला, पेपर वाला, ये सब हुआ। और उच्च स्तर का काम हो गया ऑफिस में काम करना, राजमिस्त्री काम करना, ये सब उच्च स्तर के काम है। तो इस तरह के काम हम लोग देखते हैं। बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो बाबा आमटे समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा तथा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ करने करने दो बार हो गया बच्चों, इसको आप लोग मिटा दिए, करने के लिए जाने जाते हैं। अब है आपका खंड ख पाठ्यपुस्तक से, जिसमें से पहला क्वेश्चन, किन्हीं चार प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला है, बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, अंग्रेजों के दोषी नाना साहब हैं, मकान का इसमें क्या दोष है? दूसरा, यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। और तीसरा, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वो उनकी पुत्री मेरी की सहेली है। ख है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो आंसर है बच्चों, लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि ना होने के कारण वह उससे सीख नहीं पाई। इसलिए लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया और जब घर पर आए तो लेखिका चरपाई के नीचे छिप गई। अगला क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर होगा, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। घर है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है? तो कवि यहाँ उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती तथा वे बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन रूप धारण करने का आग्रह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में कुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। फिर है 6 नंबर, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो मैना अपने मकान को, यहाँ को हो जाएगा बच्चों, मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उसे बहुत प्रिय था, यह उसकी पैतृक धरोहर थी। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे क्योंकि वह मकान नानाजी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुँचाई थी तथा अनेक अंग्रेज नर नारियों की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्न को उत्तर देना है। का है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराइयों की ओर संकेत किया है? तो यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है।
फिर है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करें। तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। अगला है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु सबसे पहले उन्हें शिक्षित बनाना जरूरी है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी वे ना तो अपना विकास कर सकती है और ना ही देश की प्रगति में अपना सहयोग दे पाएगी और ना ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो पाएगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभावी होने के लिए उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न उपायों एवं कौशल का ज्ञान कराना चाहिए जिससे वह अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ हो जाएगी। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को लागू करवाने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक महिला को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि महिलाएँ विकसित और उन्नत नहीं है तो देश की उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती है। अब खंड ग है बच्चों, 4 दिनों के अवकाश है तो प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ लिखना है सेवा में, उसके नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपना विद्यालय का नाम लिख देना है, विषय देना है बच्चों 4 दिनों के अवकाश है तो। फिर यहाँ महोदय कौमा देख इसके नीचे से लिखेंगे, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का नियमित छात्र हूँ। अत्यंत खेल सहित मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं कल विद्यालय से लौट रहा था तब अचानक हुई बारिश में भीगने के कारण मुझे ज्वर हो आ गया है। चिकित्सक ने मुझे दवा लेने के साथ साथ 4 दिनों की आराम की सलाह दी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 4 दिनों के अवकाश देने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख देना, वर्ग लिख देना, रोल नंबर है। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखे। तो उत्तर रांची और रांची 28 मई, यहाँ तारीख लिख देना है। मेरी प्रिय बहन अनीता, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होगी। मुझे तुम्हारे द्वितीय चरण की परीक्षा के बारे में पता चला जिसका परीक्षा जून में है। अब तुम्हारी परीक्षा काफ़ी नज़दीक भी आने लगी है इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह पढ़ाई को कल पत मत छोड़ो, समय के महत्व को समझो और खूब मेहनत करो अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ सकता है। माँ पिताजी को मेरा नमस्कार कहना, तुम्हारा बड़ा भाई राहुल कुमार। उसके बाद है दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। यहाँ पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या पर मैंने लिखा है, संकेत दिया है अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, सुधार के उपाय और उपसंहार लिखना। तो प्रदूषण के अर्थ में हम लोग सबसे पहले चलते हैं, तो प्राकृतिक असंतुलन का ही दूसरा नाम प्रदूषण है। मानवीय हस्तक्षेप से जब प्रकृति के किसी एक घटक मल तत्व की मात्रा निश्चित मानकों से अधिक या कम या अधिक हो जाती है तो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रदूषण कहा जाता है। पृथ्वी पर प्रदूषण क्यों प्रारंभ हुआ इस संबंध में विद्वानों में मत विभिन्नता है, किंतु यह सभी स्वीकार करते हैं कि इसका एक प्रमुख कारण जनसंख्या विस्फोट है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जंगल कटते गए, नगर बसते गए, औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। प्रदूषण के प्रकार आपका है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। इनमें से प्रत्येक मानव जीवन के लिए हानिकारक है, अतः प्रदूषण के इन प्रकारों के बारे में जानना, उनकी रोकथाम के लिए उपाय करना परम आवश्यक है। प्रदूषण से बचने का उपाय क्या है? तो पहला, सरकार कानून बनाकर लोगों को प्रदूषण फैलाने से रोके तथा इन कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान हो। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, हरे पेड़ों और जंगलों की कटाई पर अंकुश लगाया जाए, उद्योगों को प्रदूषण रोकने वाले यंत्र लगाने पर ही लाइसेंस दिया जाए, नदियों में प्रदूषित पदार्थों को मिलाने वाले उद्योगों पर रोक लगाई जाए, परमाणु रिएक्टरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए जिससे रेडियो रिएक्टिव प्रदूषण ना फैले, कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम किया जाए, पेट्रोल व डीजल चालित वाहनों को धीरे धीरे बंद करके CNG व बैटरी चालित वाहनों को महानगरों में चलाया जाए और जन जागरण द्वारा प्रदूषण की रोकथाम हेतु सतत प्रयास किया जाए। उपसंहार, भारत सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1974 और 1981 में कानून बनाए तथा पर्यावरण मंत्रालय भी इस दिशा में सचेष्ट है, तथापि प्रदूषण की रोकथाम करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। विकास की गति को जारी रखते हुए यथासंभव प्रदूषण से बचा जाए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए, तभी हमारी वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। अथवा में है कंप्यूटर एक वरदान पर भी आप लिख सकते हैं, स्वास्थ्य का महत्व पर भी लिख सकते हैं। बच्चों समय कम है इसीलिए हम इस सब का डिटेल नहीं दे रहे हैं,
काहे कि तीन में से कोई एक ही बनाना था, तो हमने प्रदूषण पर आप लोगों को बता दिया है। अब आठवां क्वेश्चन है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के बीच हुए संवादों को लिखिए। तो सुरेश कहता है, और क्या भारत को स्वच्छ रखना सिर्फ भारत सरकार का ही कर्तव्य नहीं है और ना हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है। श्याम कहता, हाँ सही बात है, जरा सोचो अगर सारे भारतीय यह बात ठान लें कि भारत को स्वच्छ रखेंगे तो गंदगी कहीं नहीं रहेगी। चलो भारत को स्वच्छ बनाए और प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे। इसी का अथवा में है, कोरोना महामारी के विषय में दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। तो राजू, सुप्रभात मित्र, कैसे हो? दीपक, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? राजू कहता है, ठीक हूँ परंतु आजकल पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। दीपक कहता, हाँ दोस्त, इस कोरोना महामारी का हमारी शिक्षा पर बहुत प्रभावित किया है। राजू कहता, पढ़ाई के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी प्रभावित है। दीपक, हाँ दोस्त, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। राजू, ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हो ना? दीपक, हाँ परंतु स्कूल में पढ़ने की बात ही कुछ और है। राजू, हाँ मित्र, ये तुम सही कह रहे हो। दीपक, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये महामारी हमारे देश से ख़त्म हो जाए, जिससे आम जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। तो बच्चों, ये क्लास नाइन्थ हिंदी कोर विषय का था, आप लोग बढ़िया से इसको एक नज़र देख लीजिएगा और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।